गाइस, मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। सो मैं चंदा सिंह एंड स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आयरन में एक शॉप है जहाँ पे इंडियन ग्रोसरीज मिलती है, जिसका नाम है यूरेशिया। तो आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और तो अभी मैं हूँ ऑन द वे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ यूरेशिया इंडियन शॉप। सो गाइस, देख सकते हो आज का जो मौसम है, काफी सुहाना मौसम हो रखा है। आज बिल्कुल धूप नहीं है और हल्की हल्की हवा चल रही है। सो जो हमारी डेस्टिनेशन है यूरेशिया शॉप के नियर ही है, तो हम अभी पहुंचने वाले हैं। कुछ 5 से 10 मिनट का टाइम हो लगेगा। सो गाइस, आज मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करने वाली हूँ इंडियन ग्रोसरी से। तो चलते हैं और बने रहिए मेरी वीडियो पे। डेस्टिनेशन बिल्कुल है मेरे सामने और जो जय है वो ड्राइविंग कर रही हैं गाड़ी को। सो गाइज, एंट्री करते ही आपको सामने दिख जाएंगे खूब सारी दालें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको यहाँ पे दाल मिल जाएगी। चना दाल, उड़द दाल, राजमा, चने दाल, मतलब सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे लगे हुए हैं बेसन, यहाँ पे आपको वाइट चने भी मिल जाएंगे और मूंग की दाल, मसूर की दाल, छिलके वाली दाल, मतलब सारी वैरायटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और सेक्शन भी अलग अलग बना रखे हैं। सो गाइज, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल का सेक्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ में आपको यहाँ पे ऑयल मिल जाएगा, अलग अलग टाइप का जो उनसे आपको ऑयल चाहिए है। मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और तिल का भी तेल है, मतलब अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। सो गाइज, अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे आटा। इसमें आटा की जो क्वांटिटी है वो 1 kg 2 kg है। तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आटे यूज़ करते हैं। तो अभी हम 4 से 5 पैकेट हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ले लिए हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे सॉसेस वगैरह लगे हुए हैं, अलग अलग प्राइस है सबके। और यहाँ पे लगे हुए हैं एग्स, आप देख सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हैं। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो घी भी लगा हुआ है, एक देसी घी है, एक गाय घी है और अमूल का घी है, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ के यहाँ पे आपको प्योर घी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, 1 kg से 1/2 kg। सो गाइज, मैंने आधे से ज़्यादा शॉपिंग यहाँ पे कर ली है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं भी जा रही हूँ दूसरे सेक्शन में, थोड़ा बहुत सामान और लेती हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे 3 से 4 यूरो आपको मिनिमम यहाँ पे, मतलब लास्ट प्राइस आपको 10 से 20 या लास्ट इतना ही होगा। और मतलब अच्छा सामान भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आपकी सारे ज़रूरतों का सामान यहाँ पे मिल जाएगा, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सारे अचार वगैरह रखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के अचार रखे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ पे। और आप इंडियंस के जो है यहाँ पे ऑयल्स वगैरह भी देख सकते हो। यहाँ पे पैराशूट ऑयल है जो हमारे इंडिया में मिलता है, वाटिका ऑयल है, मतलब सारा आपको जो ग्रोसरी का आइटम है सारा सेम टू सेम आपको इंडिया की तरह आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ पूजा का सामान है जैसे धूपबत्ती, अगरबत्ती। सो गाइज, आपको यहाँ पे पूजा की सारी सामग्रियाँ मिल जाएंगी A to Z, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिए भी लगे हुए हैं और कुछ चुन्नियाँ लगी हुई हैं माता रानी की। सो काफ़ी अच्छा है गाइज यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे इंडियंस बर्तन भी आपको मिल जाएंगे, आप जैसे कि देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के यहाँ पे जो है बर्तन यहाँ लगे हुए हैं, काफ़ी सारे हैं गाइज। सो गाइज, चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो बर्तन का रेट है वो कितना है। सो गाइज, ये छोटी सी यहाँ पे कढ़ाई है, इसका जो रेट है 1250 है। गाइज कितनी क्यूट सी लग रही है, तांबे की है शायद पीछे से। और गाइज ये देख सकते हो ये जो बर्तन है ये भी कम से कम 35 यूरो का है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के आपको यहाँ पे तवे वगैरह मिल जाएंगे रोटी पकाने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के यहाँ पे सब तवे वगैरह लगे हुए हैं।
सो यहाँ पे एक नीचे है इंडियन तवा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आप चूल्हे में, इसकी चूल्हे में भी आप रोटी बना सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है गाइज। सो गाइज जो ये तवा है ये इंडक्शन पे तो काम नहीं करेगा, ये गैस में या तो चूल्हे में काम करेगा, तो पर हमारे पास तो इंडक्शन है तो उसमें नहीं होगा। सो गाइज ये देख सकते हो सुराइया कितनी सुंदर सुंदर लग रही है, इसमें पानी वगैरह भी आप रख सकते हो, खाना भी बना सकते हो, कितना अच्छा है गाइज। सो गाइज मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, यहाँ पे सारे बर्तन लगे हुए हैं, सो गाइज आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट। हम आ चुके हैं अभी फ्रोजन सेक्शन पे, तो गाइज यहाँ पे आपको सारी सब्जियाँ वगैरह और चिकन और मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ का आपको यहाँ पे सारा फ्रोजन मिलेगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको सब्जियाँ काटने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सीधा फ्रोजन सब्जियाँ लेनी है और सीधा पकानी है घर जाके, तो काफ़ी अच्छा है गाइज। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ में लगी हुई हैं, वेजिटेबल्स की हैं और कुछ कोकोनट्स हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नूडल्स वगैरह भी हैं सब फ्रोजन वगैरह। गाइज यहाँ पे भी कुछ बर्तन लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक चिमटा है इंडियन, और यहाँ पे काफ़ी सारी करछी वगैरह भी लगी हुई है, काफ़ी सारे मतलब जो किचन का सामान होता है छोटा मोटा जो होता है सब लगा हुआ है। और यहाँ पे एक है झाड़ू, आप देख सकते हो इसका जो अमाउंट है 5 यूरो है अराउंड, तो आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे झाड़ू तो कोई लगाता नहीं है। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो ये जो करछी है ये 6 यूरो की है यहाँ पे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है गाइज आइटम। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्राइस हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है गाइज यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो ये चम्मच है इसका प्राइस जो है यहाँ पे 1 यूरो है, 1 यूरो का हो गया आपके इंडिया के हिसाब से हो गया आपका 80 यूरो। कितनी एक्सपेंसिव है ये चम्मच, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पून, और पीछे सारे मेरे पीछे जितना भी है सब डिस्पोजल का आइटम लगा हुआ है सारा ये वाला, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के हैं सारे। सो गाइस हमने ये लिया है आइसक्रीम का, ये जो है 1-2 यूरो का है, तो हमने 4 लिए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, मीन्स हो गया आपका ये 160 रुपये का एक इंडिया के हिसाब से। ये है कुल्फी जमाने के लिए। सो गाइज आपको यहाँ पे नूडल्स भी मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की आपको नूडल्स मिल जाएगी गाइज। आपको पता ही है गाइज मुझे नूडल्स काफ़ी पसंद है, और तो मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ से 3 से 4 पैकेट नूडल्स के लेके जाती हूँ। सो गाइज अब चलते हूँ मैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है यहाँ पे नमकीन का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की नमकीन्स लगी हुई हैं, दाल भाजी बॉम्बे मिक्स तारा मतलब दाने वगैरह आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको यहाँ पे जो कि है नमकीन के पैकेट मिल जाएंगे। और यहाँ पे है ये एक बनाना का चिप्स, तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम खाया था तो काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी रीजनेबल है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लगी है मैगी जो कि इंडिया में हमें मिलती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज़ है गाइस, सो आई लव्ड इट। ये फली हम इंडिया में बना देते हैं ना, इंडिया में बना देते हैं, ये थोड़ी बीन सेवेसी। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की आपको यहाँ पे वेजिटेबल भी मिल जाएगी, और एकदम पैक्ड होते हैं यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगी, जमीकंद वगैरह भी लगे हुए हैं और जिंजर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन पपीता, चलते हैं बिल कराने।
सो गाइज अब हम आ गए हैं दाल और आटे के सेक्शन में। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्राइस और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के आपको यहाँ पे प्राइस आपको यहाँ मिल जाएंगे। और 5 kg का है, कोई 10 kg का है। इस यहाँ पे लगे हैं कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ लगे हैं यहाँ पे इंडियन पार्लेजी बिस्किट्स। सो गाइज फाइनली हम करा रहे हैं बिल। गाइस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, शॉपिंग की मैंने और सारी आपको यहाँ पे इंडियन आइटम आपको मिल जाएंगी और आपकी ज़रूरतों का सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी है दाल वगैरह और घर का जो भी छोटा मोटा सामान है आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मैंने यहाँ पे शॉपिंग की। सो आप लोग भी आइए यहाँ पे यूरेशिया में शॉपिंग कीजिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो गाइज आई होप आपको ये आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।